जय भीम नव बुद्धाय साथियों, मैं हूँ रामलखन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राइटिंग एंड स्पीच में। आज का टॉपिक है वेटिंग फॉर ए वीजा से, ये आखिरी टॉपिक है और इसमें परम पूज बाबा साहब अम्बेडकर करीब 5 घटनाओं का वर्णन किए हैं और इसमें ये बताने का प्रयास किए हैं कि आखिर शूद्रों की स्थिति है क्या या सवर्णों की नज़र में शूद्रों की कितनी बड़ी इज्जत है, वो किस तरह का सम्मान करते हैं शूद्रों का और किस तरह से उनको अपने समाज में स्थान देते हैं, किस तरह की उनकी भाषा शैली है, किस तरह का उनका स्वभाव है, ये बहुत सारी बातें जानेंगे इसमें। बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ उल्लेख करते 1909 का मद्रास हाई कोर्ट का है और ये जो घटनाएं बाबा साहब अम्बेडकर बता रहे हैं एक्चुअली में ये सारी घटनाएं सच्ची घटनाएं हैं और इन घटनाओं के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर बता क्या रहे हैं कि यदि किसी से बताया जाए कि भाई शूद्रों की स्थिति है क्या तो पता नहीं लोग क्या समझेंगे, लेकिन यदि कोई जानना चाहता है कि शूद्रों की स्थिति है क्या तो उसके लिए एक उत्तर है और वो उत्तर यदि वो जानना चाहता है तो उसके लिए यही एक उत्तर है कि वो इन सारी बातों को समझे और जाने कि आखिर समस्या है क्या। और एक सबसे बड़ी बात है क्या कि बाबा साहब अम्बेडकर जो लिखते हैं साहित्य, वो साहित्य में जो भारतीय समाज का जो आईना प्रस्तुत करते हैं या यूँ कहें जो उसकी स्थिति है, जो वास्तविक कंडीशन है, वो जो हमें बताने का प्रयास करते हैं, जो देश का वास्तविक आईना हमें दिखाते हैं, वो हम शायद कम समझ पाते हैं, इसीलिए काम कम करते हैं। दूसरी एक चीज़ ये है कि दूसरे कोई भी साहित्य में जब हम पढ़ते हैं तो इतनी बारीकी से कोई उल्लेख नहीं करता, कोई बताता नहीं, उनको लगता है बदनामी हो जाएगी, शायद यही बात हो सकती है और दूसरी बातें भी हो सकती हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम यहाँ देखते हैं पहली घटना में है 1909 का है, मद्रास हाई कोर्ट का मामला है और यहाँ पर एक सुब्बाराव रेड्डी है, उन पर एक केस किया जाता है कि एक दूसरी पार्टी, वो भी हिंदू है और वो दूसरी वाले हिंदू सुब्बाराव रेड्डी पर, वो भी हिंदू है, उन पर एक केस करते हैं कि इन्होंने हमारे काम पर बाधा डालने का प्रयास किया है और ये आरोप सिद्ध कर दिया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। और जब आरोप सिद्ध हो जाता है कि हाँ इन्होंने आरोप अवरोध लगाने का काम किया है और हमारे काम में बाधा पहुँचाई है, उस समय की जो दंड संहिता है धारा 339 के अंतर्गत ये उन्हें दंड का प्रावधान कर दिया जाता है। फिर वो पुनः हाई कोर्ट में केस करते हैं कि हमारे ऊपर जो आरोप लगाया है वो गलत है। हालांकि अब ये था क्या मामला, भी से देखते हैं, मामला ये था कि सुब्बाराव रेड्डी एक दूसरे हिंदू जो समूह था वो जुलूस निकाल रहा था, उसे वो रोकना चाहते थे और रोकने के लिए क्या किए उन्होंने, कुछ सूत्रों को कहा कि तुम जाके सड़क पर खड़े हो जाओ, वो एक सामूहिक सड़क पर खड़े हो गए जहाँ से जुलूस को निकालना था। दूसरे हिंदू थे, उन्होंने इस डर से जुलूस नहीं निकाला कि हम वहाँ से जाएँ तुम तो अपवित्र हो जाएंगे, और उन्होंने वो जुलूस नहीं निकाला और आरोप लगाया कि सुब्बाराव रेड्डी ने हमें अवरोध लगा दिया, हम वहाँ से जुलूस नहीं निकल पाए। जब सुब्बाराव रेड्डी ने दोबारा जब केस किया तो जब उसकी सुनवाई हुई तो ये पाया गया कि जुलूस निकालने वाले लोग अपनी मर्जी से जुलूस नहीं निकाले, क्यों, शूद्रों को क्या सड़क पर खड़े होने का अधिकार नहीं है, सामूहिक सड़क वो खड़े हो सकते हैं। अब ये मायने नहीं रखता कि सुब्बाराव रेड्डी ने उन्हें खड़ा होने के लिए कहा या किसी और ने कहा है। दूसरी चीज, यदि वो शूद्र वहाँ पर पथराव करते, वहाँ से हटते नहीं, यदि वहाँ जगह नहीं देते निकलने के लिए तो कोई बात बनती थी कि भाई आपने निकलने के लिए जगह ही नहीं दी हमको, और दूसरी तरफ से निकलने की जगह नहीं थी, कम से कम रास्ता तो छोड़ना चाहिए था, वो छोड़ा ही नहीं गया। तो इस तरह की बात यदि होती तो कभी हो सकता था कि हाँ आरोप बनता, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, वो तो लोग वहाँ से गए ही नहीं, जब नहीं गए अपवित्र होने के डर से। बाबा साहब अम्बेडकर ये कह रहे हैं और फिर कोर्ट ने खुद ही आदेश दिया बाद में कि यदि सुब्बाराव रेड्डी से कोई जुर्माना वसूला गया है तो भी उन्हें वापस किया जाए और इस केस को खारिज कर दिया गया। कहने का मतलब ये हुआ कि शूद्रों की इतनी बुरी दशा बनाने वाले लोग कौन हैं, हिंदू लोग हैं, हमारे लोग, हमारे देश के लोग हैं, इतना अपवित्र कि वो सड़क से लोग निकल नहीं सकते क्योंकि छू जाएंगे तो अपवित्र हो जाएंगे। एक घटना और देखते हैं, दूसरी घटना है ये 23 अगस्त 1932 की है, एक प्रकाश समाचार पत्र में छपा था कि एक बछड़ा कुएं में गिर जाता है, वहाँ पर खड़े एक व्यक्ति उसे देख लेता है, वो कुएं कूद जाता है और बछड़े को बचाता है। अब जब पता करते हैं तो वो व्यक्ति का नाम होता है साधुराम और उसकी जाति है डोम।
अब डोम जाति का साधु साधु राम जब बछड़े को बचाता है तो उसे गाली गलौज किया जाता है, उसे अपमानित किया जाता है, उसके साथ बदतमीजी की जाती है कि आपने कुएं को अपवित्र कर दिया। ये एक बड़ी घटना ये है कि इसमें शूद्रों की आखिर स्थिति है क्या, वो किस पायदान में रखे जाते हैं। अब देखते हैं दूसरी घटना है, यह है बॉम्बे समाचार पत्र की, ये 19 दिसंबर 1936 की कालीकट की। इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक महिला का बच्चा है, वो खेलते खेलते कुएं में कूद जाता है, वहाँ से निकलता हुआ कोई अजनबी व्यक्ति देख लेता है और उस बच्चे को बचा लेता है। बचाने के बाद उसे पूछा जाता है तू कौन है, किस जाति का है, आखिर वो शूद्र था, इसलिए उसे अपमानित किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है, अभद्रता का व्यवहार किया जाता है, उसे कोई धन्यवाद नहीं देता, क्योंकि धन्यवाद देने से पहले जाति पता की जाती है कि तुमने जो परोपकार किया आखिर तू है कौन। यदि वो शूद्र है तो धन्यवाद का पात्र बिल्कुल नहीं है, ये बात यहाँ पर होती है। नेक्स्ट है जुलाई 1937 की घटना है, ये मद्रास होम्स कंपनी में एक आदमी काम करता है, बताता अपने आप को कि मैं सवर्ण हूँ, ऊंची जाति का हूँ। एक समय जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके सारे साथी उनकी शव यात्रा में शामिल होते हैं, और उसी शव यात्रा में एक शूद्र भी होता है जो उनका कभी साथी रहा होगा, वहाँ पर काम करने वाला था। तो सभी शव पर ये चावल फेंकते हैं, वो भी चावल फेंक देता है। लोगों को जब मालूम हो जाता है कि ये तो शूद्र है, उस पर गाली गलौज की बौछार की जाती है, अपमानित किया जाता है और ये कहा जाता है कि तुमने शव को अपवित्र कर दिया। अरे भाई, जब शव में जान ही नहीं बची तो काहे का पवित्र हो गया वो। अब ये नहीं समझ में आता कि ये कौन सा धर्म ऐसा सिखाता है, ये कौन सा तरीका है लोगों के साथ व्यवहार करने का, और वो दंगा इतना भड़क जाता है वहाँ पर कि छुरी चाकू चलने की नौबत आती है, दो आदमी को चाकू लगती है जिसमें एक तो अस्पताल जाते जाते मर जाता है, दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जाता है, उस समय जब उस समय अखबार में छपा था। ये घटना और है 6 मार्च 1938 की घटना है, बम्बई की बात है कि बम्बई में एक जो वहाँ की भंगी बस्ती थी दादर के, वो लोग एक मीटिंग करते हैं, अपना गोष्ठी जो मीटिंग होती है बैठक वो करते हैं, और वहाँ पर एक लड़का रहता है, वो अपना अनुभव साझा करता है, उसकी अध्यक्षता सैदिंदुला याग्निक जी करते हैं। वो घटना साझा करता है कि जब बर्नाक्यूलर से वो पढ़ करके निकलता है वहाँ के स्कूल से, सो पढ़ने के बाद जो है वो अपील करता है वहाँ पर, क्या आवेदन करता है नगर पालिका में नौकरी के लिए, तो वहाँ तो कोई रिक्त स्थान नहीं था तो उसे नहीं मिलता है। फिर वो अपील करता है एक तहसील में, तो वहाँ पर क्लर्क की नौकरी मिल जाती है, और जब वो अपना जो नियुक्ति पत्र है वो लेके पहुँचता है वहाँ पर, तो कहते भाई नीचे रख दो, वो नीचे रख देता है, उसको उठा लेते हैं, मतलब वहाँ रहने को जगह नहीं मिलती, उसको बार बार इतना टार्चर किया जाता है कि वो नौकरी छोड़ दे, पानी को पीने को नहीं मिलता, वो कोई किराए पे घर नहीं देता, सड़क पर ही सो जाता है, खाने को नहीं मिलता, मतलब बड़ी तरह तरह की यातनाएं उस लड़के को मिलती हैं, उन्हीं को साझा करता है। एक बार तो ऑफिस के बाहर कोई कुर्सी रहती है उसमें बैठ जाता है, उसको लेकर के तनातनी हो जाती है, अंततः नौबत ये आ जाती है कि उसे मारने की धमकी देना शुरू कर देते हैं लोग। तब वो पत्र लिखता है अपने अधिकारी के लिए कि भाई मेरे पिताजी को दे दिया जाए कि आज मेरी मृत्यु हो जाएगी, लोग मुझे मार डालेंगे। और वो जैसे तैसे जान बचा के नौकरी छोड़ के घर आ जाता है। तो वो अपनी जो व्यथा बखान करता है कि यदि चपरासी ना हो पानी पिलाने वाला तो मुझे पानी पीने को नहीं मिलता था, और लोग ये कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी क्लर्क की नौकरी ज्वाइन करने की, मतलब बहुत तरह तरह की यातनाएं कि कितनी आप कल्पना कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सोचते सारी बातों का एक निष्कर्ष निकालते हैं कि इन सारी बातों को जो बाबा साहब अम्बेडकर बता रहे हैं, आखिर उन्होंने वेटिंग फॉर वीजा किसे लिखा था? हम लोगों के लिए कोई उपन्यास नहीं है, पढ़ के एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं है, ये वो साहित्य है जो क्रांति के बीज मिलते हैं इसमें, जिसमें कुछ करने के लिए होता है कि कुछ किया जा सकता है। यदि कोई ना कुछ करे एक अलग बात है, आप जब कुछ करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि ना हो। यदि हम लोगों को ये बताना शुरू करें कि भाई गलत क्या है सही क्या है, अंधविश्वास से धर्म से कब तक लोग बंधे रहेंगे? ऐसा नहीं कि लोग जो ब्राह्मण हैं वो सबके सब इसी तरीके के हैं। एक चीज़ जो है हिंदू कोड बिल में, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़िएगा, अभी मैं जो हिंदू कोड बिल में जो बता रहा हूँ आने वाले समय में जो बताऊँगा उसको पूरा करूँगा मैं,
उसमें एक जगह मैंने पढ़ा कि भाई जो काड़े साहब थे वो पूना विश्वविद्यालय कुलपति भी रहे थे और एक रघुनाथ शास्त्री भी, दोनों ब्राह्मण थे। काड़े साहब तो यहाँ तक बताते हिंदू कोड बिल को कि ये एक तरीके का धर्मग्रंथ ही है, जो बाबा साहब कर रहे बिल्कुल सही है और उसका समर्थन भी करते हैं हिंदू कोड बिल का। बाकी सारे के सारे जो हिंदू है वो चाहे कांग्रेस के अंदर वाले हों चाहे बाहर वाले हों चाहे जितने भी धर्माचार हों वो सबके सब विरोध करते हैं, लेकिन ये कि पढ़ा लिखा तबके के जो लोग थे जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे देश दुनिया को जानते थे उन लोगों ने समर्थन किया। मतलब कहने का यहाँ से ये होता है कि कोई पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि ये सबका सब इतना धार्मिक हो जाएगा कि इस स्थिति तक पहुंच जाएगा, सुधार हो सकता है, मेरे कहने का मतलब ये है। लेकिन इसके लिए क्या होगा, बेहतर शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, दया करुणा के एक स्थान होना चाहिए कि जो आदमी के अंदर दया है करुणा है जान बचाता है तो वो कितना धार्मिक है उसका एक स्थान होना चाहिए। ये नहीं कि भाई आपको यदि किसी ने बता दिया कि धर्म ये है कि शूद्र को सिर्फ मारो तो ये धर्म नहीं हो सकता, यदि ये धर्म है तो भाई ऐसे धर्म को तिलांजलि देना ही बेहतर होगा मेरे ख्याल से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताने का प्रयास किया जाए, बार बार बताया जाए कि सही क्या और गलत क्या है। और जब तक लोग सही गलत का भेद नहीं समझेंगे किसी बात को लोग धर्म मान लेंगे और लोग एक दूसरे पर अत्याचार करते रहेंगे। शायद इन्हीं चीज़ों का नतीजा ये था, नहीं तो जिस महिला का बच्चा गिरा था उसको धर्म के बारे में इतना ज़्यादा ज्ञान था कि शूद्र ने भी मेरे बच्चे की जान बचा ली तो उसको गाली दिया जाए, मतलब उसको धन्यवाद न दिया जाए कि भाई धन्य है आपने मेरे बेटी की जान बचा ली, क्या ये ठीक नहीं था? लेकिन नहीं, उसे धर्म का ज्ञान ही नहीं था, उसे किसी ने बता दिया था कि यदि पूछ लो वो शूद्र तो उसे गाली दो और कुछ मत करो। जिसका बछड़ा बचाया उसने भी यही किया होगा, जो एक व्यक्ति ने चावल फेंक दिए उनको, उन लोगों को भी इतना ही पता होगा यदि शूद्र पता चल जाए सिर्फ गाली दो और कुछ मत करो, तो वही उनको धर्म बताया गया था, धर्म के बारे में उन्होंने अध्ययन नहीं किया था। तो लोगों को धर्म के बारे में जानना चाहिए, धर्म क्या है, और धर्म में यदि दया नहीं है, मैत्री नहीं है, करुणा नहीं है तो फिर वो धर्म तो नहीं हो सकता और कुछ हो सकता है। तो भाई और कुछ से बचिए, धार्मिक है तो धार्मिक बनिए, सामाजिक बनिए और मैत्री रखिए लोगों के साथ, करुणा बनिए, करुणा आपके अंदर हो ऐसे व्यक्ति बनिए, आपके अंदर सील हो ऐसे व्यक्ति बनिए, इतने निर्दयी न बने कि बाद में लोग कभी पढ़ें तो यही कहें कि ये आदमी शायद आदमी के लायक तो नहीं था। थैंक यू वेरी मच, जय भीम, नो बुद्धा।